मैं हार नहीं सकता जब तक मेरा विश्वास जिंदा है। मैं हार नहीं सकता जब तक मेरा विश्वास जिंदा है। घोंसले से निकल कर एक दिन उड़ता वही परिंदा है। डर नहीं तूफानों का उन्हें जो आंधियों में घर बनाते हैं। डर नहीं तूफानों का उन्हें जो आंधियों में घर बनाते हैं। फौलाद इरादों के आगे अब तो भाग्य भी शर्मिंदा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे को लेकर के आपसे रूबरू हो रहा हूँ वह यह है कि आपका पीजी में एडमिशन बीएचयू या अन्य रिप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे होगा, यानी आप पीजी एडमिशन की तैयारी कैसे करते। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारियों के बारे में बात करते हैं। यह जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, यह बीएचयू और बीएचयू के अलावा जो अन्य रिप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे डीयू, जेएनयू, एयू, एएमयू, जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एवं अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन से संबंधित है। ठीक है, आप यूजी अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप यूजी पास आउट हैं तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं यदि आप पीजी करना चाहते हैं। यह वीडियो सोशल साइंस, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर इत्यादि के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा। पिछली बार जो CUCT था उसमें कुल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल थी। इनकी संख्या इस बार CUCT में बढ़कर 54 यानी 54 हो चुकी है। अभी तक CUCT के तरफ से पीजी एडमिशन के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसके मई फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। आप इसे CUCT या NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसे CUCT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUCT.NTA.AC.IN पर भी आप विजिट करके इसका डिटेल जान सकते हैं, या NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट NTA.AC.IN पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अभी तक UGC ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को CUCT से जुड़ने के लिए अनिवार्य नहीं किया है, अर्थात यह यूनिवर्सिटी अपने इच्छानुसार चाहे तो CUCT से जुड़ सकती हैं या अपना खुद का एंट्रेंस करा सकती हैं। यही कारण है कि कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा करा रही हैं या उससे संबंधित जो गाइडलाइन है उसे जारी कर दी हैं या जारी करने वाले हैं, जैसे BHU, DU, JNU, AMU, AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इत्यादि जो विश्वविद्यालय हैं वो खुद का एंट्रेंस कराएंगे, ऐसी संभावना है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेंगे जहां से आप उसका डिटेल देख सकते हैं। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें और उसके दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी विश्वविद्यालय UGC के दिशा निर्देशन में काम करते हैं। यह एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी NTA को दी गई है। ठीक है, प्रतिवर्ष अगर हम भारत सरकार के एक डेटा के हिसाब से बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग हायर एजुकेशन में इनरोल होने वाले बच्चों की संख्या लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच होती है, जिनमें से 11 से 12% जो बच्चे हैं वह PG के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए आप अपनी तरफ से अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और समय समय पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप नियमित रूप से चेक करते रहिए। एक चीज़ और कि जो BHU महिला महाविद्यालय, जितने भी महिला महाविद्यालय हैं उनको छोड़कर FMC और DAB में को एजुकेशन की व्यवस्था है। ठीक है,
अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी या CUCT या NTA, इसको आप फिर से समझिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी या CUCT या NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे UG अपीयरिंग के स्टूडेंट भी भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपने द्वारा दिए जाने वाले इन्फॉर्मेशंस को ध्यान से भरना चाहिए, ठीक है। फाइनल सबमिशन, जब आप अपने फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट करते हैं तो आप उसे कई बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें ऐसे मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का आप उपयोग करिए दीजिए जो आपका पर्सनल हो, एक्टिव हो, वैलिड हो, यानी आप किसी अन्य का मेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी मत दीजिए। दिए गए मेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप कभी मत बदलिए। किसी साइबर कैफ़े में यदि आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो सब कुछ आप देख करके भरवाएं, आप साइबर कैफ़े के ऊपर न छोड़ें या जो व्यक्ति भर रहा है उसके ऊपर न छोड़ें। यह मेल आईडी एवं पासवर्ड और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर आपको हमेशा काम आएगा। अपने मेल आईडी एवं पासवर्ड को आप किसी के साथ साझा न करें। आप इसे भूलें नहीं बल्कि कहीं अच्छे से लिख लें। दिए गए एप्लीकेशन नंबर को भी आप संभाल कर रखें, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इस एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अर्थात आप आईडी, पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर को अच्छे से संभाल करके रखें। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि इस इंट्रेंस का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो कैसा होगा, ठीक है। अभी तक CUCT या NTA के द्वारा कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, अतः एग्जैक्ट रूप से या सही सही इस पर कुछ बात करना सही नहीं होगा। यदि CUCT के सितंबर 2021 के नोटिफिकेशन को मैं आधार बनाऊं या इसके आधार पर मैं बात करूं, तो इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी इस गाइडलाइन के अनुसार कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से होगा और 25 क्वेश्चंस जीके, जीएस या मैथ्स या रीजनिंग से होगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें गलत होने पर -1 किया जाएगा और पूरा समय आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट दिए जाएंगे। यह इंटेंस CBT बेस्ड एग्जामिनेशन पैटर्न पर होगा, यानी कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा और सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे। पिछली बार BHU द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था, PG इंटेंस कराया गया था, उसमें कुछ कोर्सेज जैसे साइंस इत्यादि में इस पैटर्न को लागू किया गया था। वहीं कुछ कोर्सेज जैसे सोशल साइंस और आर्ट्स में कुछ हल्का फुल्का बदलाव भी किया गया था, जिनमें 100 के जगह पर 120 प्रश्न थे और GK, GS, मैथ्स या रीजनिंग के पार्ट को के हिस्से को हटा दिया गया था। बाकी सारे नियम वही थे, जैसे सभी प्रश्न 4 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग में -1 करना और MCQ टाइप के क्वेश्चंस और CBT बेस्ड एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें सेम थीं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बार PG एडमिशन में यानी 2022-23 में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। यह तभी पता चलेगा जब इसकी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी या CUCT या NTA द्वारा जारी किया जाएगा। मुख्य रूप से आप अपने विषय को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि डाउट सिर्फ आपको GK GS को लेकर के हो सकता है। सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। GK GS या करेंट अफेयर्स पर भी थोड़ा आप जागरूक रहें, थोड़ा उसको भी ध्यान देते रहें, क्योंकि हो सकता है अगर ऐसा आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे।
यदि आपको मेन कैंपस, यदि आपको BHU मेन कैंपस या कोई अन्य यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में अगर एडमिशन पाना है, मैं ख़ास तौर से अगर BHU की बात करूं तो BHU मेन कैंपस में यदि आपको एडमिशन पाना है तो आपको इस एंट्रेंस के लिए 80-90% का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेन कैंपस में एडमिशन पाने के लिए कम से कम 75-85% क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप BHU के DAB और MMB में भी एडमिशन तभी आप पाएंगे जब आपका 60-75% क्वेश्चंस सही होंगे, जबकि BHU के एफिलिएटेड में भी एडमिशन पाने के लिए कम से कम आपको 40-60% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। ठीक है, मैं किसी विशेष कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह एक सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी विशेष परिस्थिति या कैटेगरी की अवस्था में इस क्राइटेरिया में आश्चर्यजनक बदलाव भी आप देख सकते हैं या हो सकता है। पूरा यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए, अगर आप पूरा यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 85-90% के आसपास क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। यह अलग अलग विषयों में अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल होने के कारण इसका कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। मैंने यह डेटा साइकोलॉजी सब्जेक्ट को आधार मानकर बताया है, जो पिछले 1-2 सालों के कट ऑफ पर आधारित है। किसी भी प्रश्न के सही होने के कंडीशन में आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, जबकि गलत होने के कंडीशन में 25% का आपको नुकसान होता है। यदि आपको दिए गए इसीलिए यदि आपको दिए गए किसी भी प्रश्न के 4 विकल्पों में से 2 विकल्प 100% श्योर है कि ये नहीं है, और मात्र 2 विकल्पों में से 50-50 चांस है कि यह सही हो सकता है या यह सही हो सकता है, उस कंडीशन में आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 50% रिस्क लेने के कंडीशन में आपको फ़ायदा होने की संभावना 75% होती है, जबकि नुकसान मात्र 25% का होता है। ठीक है, किसी प्रश्न का उत्तर जब एकदम आपको मालूम न हो या लगभग 25-30% मालूम हो, उस कंडीशन में आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में प्रश्न के सही होने की संभावना मात्र 25% होती है, जबकि गलत होने की संभावना 75% होती है। अतः जहां 50% आप आंसर को लेकर श्योर हों, उसी प्रश्न पर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ हमेशा अन्य सब्जेक्ट्स की तुलना में हाई होता है, जिसे सब्जेक्ट, यानी आप ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझकर पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट की जो डिमांड है वह अधिक होती है और इसकी सीटें भी बहुत लिमिटेड होती हैं। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसमें साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन का जो अलग अलग स्ट्रीम है उसमें उसका कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। इनका आपस में कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में यदि 50-60% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एडमिशन होने की संभावना पूरी बनी रहती है, लेकिन मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 80% के करीब मार्क्स लाना अनिवार्य है। आप शुरू ऐसा कोशिश करिए कि आप शुरू के 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस को कर लें। शुरू के 60 मिनट्स में आप कोशिश करिए कि कम से कम 60 प्रश्नों को कर लें, ऐसे प्रश्नों को कर लें जिसको एक नज़र में ही आप देख करके कर सकते हैं।
अगले आधे घंटे में कम से कम उन 15 क्वेश्चंस को करिए जो थोड़ा सा कठिन हो। यानी हर क्वेश्चंस पर आप अगर 2 मिनट का भी समय देते हैं तो ऐसे 15 प्रश्नों को आप कर लेंगे। इस तरीके से 1.5 घंटे में आप टोटल 75 क्वेश्चंस कर लेंगे। अगले अंतिम आधे घंटे में या 30 मिनट में आप 10 उन प्रश्नों को करने की कोशिश करिए जो और भी डिफ़िकल्ट हैं, जिसके लिए आप हर क्वेश्चन पर लगभग 3 मिनट दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि 2 घंटे में कुल आप 85 प्रश्न कर लेंगे जो पूरे विश्व पूरे यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में अंडर 5 में आने की संभावना को आपको मजबूत बनाता है। ठीक है, 85% क्वेश्चंस करने के बाद 50% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस पर भी आप रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि इसके बाद के बचे हुए प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई होता है कि इसके सही होने की संभावना मात्र 10% होती है, जबकि गलत होने की संभावना 90% होती है। अतः आप लालच मत करिए, वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने अपने काम भर का क्वेश्चन कर लिया है। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम परसेंटेज की बात करें, यूजी परसेंटेज की बात करें, तो लगभग 55% होना चाहिए। यह बात अलग है कि कुछ विशेष कैटेगरी के बच्चों को इसमें नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। यदि हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो लगभग 800 के आसपास आप मान करके चलिए। इसमें भी विशेष कैटेगरी के बच्चों को कुछ छूट प्रदान किया जाता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें बेटा, तो लगभग 23 ईयर्स, ठीक है, 23 साल के आसपास तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह बात अलग है कि इस एज लिमिट में भी कुछ विशेष कैटेगरी के बच्चों को छूट प्रदान किया जाता है। यदि हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पीजी का यह फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यूजी की मार्कशीट, और यदि आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपियरिंग फॉर्म में लिखना है। न्यू कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जो SC ST OBC PC और EWS के कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होता है। इनकम सर्टिफिकेट जो न्यू हो, अगर कोई PC कैंडिडेट है तो PC सर्टिफिकेट, इतनी सारी चीज़ों को आपको रखना है, क्योंकि जो भी आप फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे संबंधित जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नया नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो पुराना डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, आप उसको अवश्य अपलोड करें और नए सर्टिफिकेट को जितना जल्दी हो सके आप बनवा लें। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के न लगाने के कंडीशन में आपको किसी विशेष कैटेगरी का सुविधा या फ़ायदा नहीं मिल सकता, तो आप उस कंडीशन में ओल्ड सर्टिफिकेट को भी लगा लें, लेकिन आप इसको जल्द से जल्द नया सर्टिफिकेट को आप बनवा लीजिए। दिए गए सूचना के लिए, जो मैंने कहा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, अतः सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से साफ सुथरा तरीके से स्कैन करिए और उसको अपलोड करिए। फॉर्म के आने के बाद जितना जल्दी हो सके आप उसको अप्लाई करिए, क्योंकि जैसे जैसे डेट बीतता है वैसे वैसे तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, तो आप इन समस्याओं से बचने के लिए जितना जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप उसे अच्छे से चेक कर लें, यानी यह अच्छे से अपलोड हुआ है या नहीं, साफ सुथरा दिख रहा है या नहीं। एक कैंडिडेट एक कोर्स के लिए सिर्फ एक ही बार फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अतः फॉर्म भरने में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद संबंधित जो वेबसाइट है उसको नियमित रूप से आप चेक करते रहें, साथ ही साथ आप अपने पोर्टल को भी चेक करते रहें
और अपनी मेल आईडी को भी आप चेक करते रहें। अब आइए जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी आप कैसे करें। इसके लिए 12th एनसीईआरटी से लेकर के आप यूजी तक के जितने भी पेपर्स पढ़े हैं, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के हों, आप सोशल साइंस में जिस भी सब्जेक्ट के हों या आर्ट्स में आप जिस भी सब्जेक्ट के हों या कॉमर्स में या एग्रीकल्चर में आप जो भी पेपर्स पढ़े हैं, उन सभी यूजी के पेपर्स को बिल्कुल समझ करके विस्तृत रूप से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आपका पीजी जो इंट्रेंस है वह यूजी के सिलेबस पर ही आधारित होता है। इसमें आपके सब्जेक्ट के सभी पेपर्स से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी पेपर से कम क्वेश्चन आ सकते हैं तो किसी पेपर्स से अधिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए आपको अपने सभी पेपर्स की तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अच्छी किताबों से पढ़ें, आप अपने क्लास नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो चीज़ें आप यूजी में नहीं पढ़े हैं उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल पर आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, अनावश्यक आप परेशान मत होइए, किसी दूसरे से पूछने के चक्कर में भी आप मत पढ़िए। इसमें आपके पास 95% मटेरियल्स होता है जिसे आप पढ़ चुके होते हैं, जिसे आप यूपी में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बस उसे अच्छे से समझकर पढ़ने की ज़रूरत होती है। पिछले 1-2 सालों का पेपर्स आप ज़रूर डाउनलोड करके रख लें, उसी के पैटर्न के आधार पर आप तैयारी करें। अनावश्यक प्रवेश परीक्षा से संबंधित किताबों को बिल्कुल न पढ़ें, सिर्फ अपनी अच्छी किताबों को पढ़ें। कोई शॉर्टकट रास्ता आप बिल्कुल न अपनाएं, ऐसी चीज़ों को लेकर आप परेशान न होएं जो नहीं मिल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, जो समझ में आ रहा है उसे अच्छे से आप तैयार करिए। जो टॉपिक या पेपर कभी नहीं समझ में आया वह आज समझने की कोशिश या जिद मत करिए। हल्के फुल्के न समझ में आने वाले प्रश्नों को आप अपने अच्छे फ्रेंड्स या टीचर से पूछ सकते हैं। जितना भी समय मिल रहा है दिल से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। इंटरेस्टिंग पेपर की तैयारी आप और भी मन से करिए, उसके प्रश्न गलत किसी भी कंडीशन में नहीं होने चाहिए। जो पेपर शुरू से ही आपको कठिन लगता है उस पर आज बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, उस समय को आप बल्कि दूसरे पेपर्स में यूटिलाइज करें जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। उस जो चीज़ या जिसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया उसे अन्य बुक्स या अन्य लोगों से कंफर्म न करें, क्योंकि इस कंडीशन में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अपने जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि अगले साल क्या होने वाला है यह किसी को नहीं मालूम। हर साल जो चुनौतियां हैं वो दोगुनी हो रही हैं। यूजी करने के बाद एक एक साल का बहुत महत्व होता है, यानी एक एक साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर लड़कियों के लिए। 20-25 वर्ष का जो समय होता है, 20-25 वर्ष की जो अवस्था होती है वह चुनौतीपूर्ण होता है एवं कुछ न कुछ कर गुजरने की अवस्था होती है। इसी अवस्था में आपको अपने जीवन को अंतिम रूप से संवारने का अवसर मिलता है। अब जल्दी से हम एडमिशन न होने की अवस्था में आपको क्या करना चाहिए इस पर बात करते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए 100% कोशिश करना ही हमारी जीत होती है। एडमिशन होना न होना कई कारकों पर निर्भर करता है। बस आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने मन से कोशिश नहीं की थी।
मैंने मन से तैयारी नहीं की थी, अगर तैयारी किया होता तो मेरा हो जाता। मैं जानता हूँ कि यदि आप चाह देंगे तो आपका एडमिशन पक्का होगा। इसके बावजूद भी हमें एक बेहतर विकल्प लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय एक एक वर्ष बहुत कीमती होता है। अपने पूरे विकल्प को भी आप साफ साफ लेकर चलिए, यानी आप अपने जो दूसरा विकल्प है उसको भी आप साथ साथ लेकर के चलिए, एवं उसका भी फॉर्म आप समय से भरिए, क्योंकि उसका प्लान भी आपको साथ साथ करके ही चलना पड़ेगा। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। जीवन के लिए कुछ अत्यंत ज़रूरी चीज़ें जो हैं आप उसको भी सीखने की कोशिश करिए, जैसे कंप्यूटर जो से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को भी आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसको भी सीखें। हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आप चाहें तो एक अदर लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपने आप को प्रेजेंट करने यानी बोलने और लिखने की क्षमता में भी अपने आप को पारंगत बनाएं। मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के को आपके साथ साझा करूं। फिर भी कोई विशेष प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना कि मैं अपने अगले वीडियो में PhD इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें इस पर बात करूंगा। इसे आप 5 मई 2022 को शाम 4 बजे तक सुन सकते हैं। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।